बीडीई न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। बड़ी बड़ी टीमों को जीतने के बाद अफगानिस्तान जैसी नई और छोटी टीम ने भारत के बल्लेबाजों को बांध के रखा और 224 रन ही बनाने दिया। उनकी सदी हुई बॉलिंग और फील्डिंग के आगे भारतीय बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अफगानिस्तान ने भारत को 224 रन के स्कोर पर रोक तो लिया, अब उनके बल्लेबाजों की बारी थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान के जीतने की उम्मीदें कम ही थीं। लेकिन अफगानिस्तान ने अच्छी शुरुआत की और 2 विकेट पर 97 रन बना लिए। अब ऐसा लग रहा था कि भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नर्मदा मोटर्स, यहाँ पर सभी टाइप की 4 व्हीलर्स रिपेयर किए जाते हैं। छोटा पुलिया के पास कारधा भंडारा। तभी अफगानिस्तान के और 2 विकेट गिर गए। अफगानिस्तान का स्कोर अब 114 पर 4 विकेट था। अब भारत की जान में जान आई थी, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी की और अपना स्कोर बढ़ाते रहे। तब लग रहा था कि भारत की नैया डूबने वाली है। साईराम ITI फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बेस्ट ITI। BD न्यूज हिंदी चैनल पे आप ITI की एड देख सकते हैं। लेकिन पारी के उन 50वें ओवर में बुमराह ने रन नहीं दिए तो रन रेट बढ़ गया और उसी दबाव में शमी ने 50वें ओवर में हैट्रिक लेकर अफगानिस्तान की पारी की समाप्ति की और भारत 11 रन से जीत गया। भारत जीत तो गया, लेकिन अफगानिस्तान ने भारत को नाको चने चबवा डाला। अगर शमी हैट्रिक नहीं लेते तो भारत हार भी सकता था। BD न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।